सर मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, इस साल हम दिखाएंगे क्या? जो था हमने सब दिखा दिया सर, ना यूनिक स्टंट्स बचे हैं ना कोई फनी स्क्रिप्ट बची है। और सर हमारे पास तो कोई लोकेशन भी नहीं बची है शूट करने के लिए। केतन और अर्जेंटीना के जानवरों ने तो हम पे केस कर दिया। पिछले बार एक कंटेस्टेंट एक घड़ियाल का बच्चा इंडिया उठा के ले आया था। मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीज, मेरी बात सुनो, एक साल का ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा राइट करेंगे, थोड़ा नए यूनिक स्टंट्स डिजाइन करेंगे, ठीक है? गाई भाई मैं कोई डिसीजन नहीं लेना, बी पॉजिटिव। और हमारे पास बहुत कुछ फनी है अभी। बात रही खतरों के खिलाड़ी की, तो इस बार के स्टंट्स मैं खुद डिजाइन करूंगा। डिजाइन मतलब कैसे क्या? थारा भाई रोहित ऐसे स्टंट बना देगा किसी ने सोची ना होगी। सर आराम से बैठ जाओ, वरना आपका नाम भी यूट्यूबर्स की छपरी लिस्ट में आ जाएगा। और ये फालतू की बातें छोड़ो, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार के स्टंट्स क्या होंगे, ठीक है? इस बार हम कुछ ऐसे स्टंट्स बना देंगे कि इनकी फट जाएगी सबकी, जिनमें से पहला स्टंट ये है कि बिल्कुल सही, पूल पूल के अंदर भेजेंगे हम लोगों को और उन्हें अंदर से लॉक निकाल के लाना पड़ेगा। कैसा लगा ये? दूसरा स्टंट ये रहेगा कि हम इन लोगों को शॉक लगाएंगे, आज तक हमने कभी नहीं किया लेकिन इस बार इनको हम झटके देंगे बिजली में। तीसरा स्टंट कुछ ऐसा रहेगा कि तीसरा स्टंट कुछ ऐसा रहेगा कि हम इन लोगों पे कुत्ते, इस बार जर्मन शेफर्ड दौड़ाएंगे इनके कुछ। सर जर्मन शेफर्ड भी कुत्ते होते हैं, पर छोड़ो, ये डिसाइड करते हैं पहले कि लेना किस किस को इस बार। फिर बेटा एक काम करो, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट निकालो। चलो तो भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही एक अकेला शो ऐसा नहीं था जो बहुत खींच रहा है। एक और बहुत अच्छा शो है जो हम बहुत पसंद करते हैं और वो खींचे ही जा रहे खींचे ही जा रहे, जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। शो खींचने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये भी रेपिटेटिव कंटेंट दिखाते हैं, सेम स्टंट्स बस अलग लोग, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शेट्टी अगर सीन में है। और इतना रिपीटेटिव कंटेंट दिखाने के बाद भी रोहित शेट्टी इतना कूल बन के दिखाता है जिसकी कोई हद नहीं। पर इस पूरे खेल का मैं था मास्टर। यहाँ पे चीता लगा देना। तो रोडी से निकले हुए लोगों को मिलता है बिग बॉस, और बिग बॉस से निकले हुए लोगों को मिलता है खतरों के खिलाड़ी, और खतरों के खिलाड़ी से निकले हुए लोगों को मिलता है खतरों के खिलाड़ी, और इस बीच हम लोगों को क्या मिलता है? और अगर आप सोच रहे हो कि आप खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट की लिस्ट पता कर सकते हो वो भी बिना बिग बॉस देखे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खतरों के खिलाड़ी के लिए प्रिपेयर होना है तो पहले लेटेस्ट सीजन देख के आओ बिग बॉस का, ताकि तुम्हें यह पता रहे कि कौन कितना बेवकूफ है और कौन कितना झगड़े करता है और किसकी शक्ल के पीछे फनी बैकग्राउंड लगा के तुम्हें हंसी आएगी। ये हैं प्रांशु शर्मा, इन्हें है 3 साल का जिम एक्सपीरियंस, और हाँ अपना करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने आ गए हैं ये खतरों के खिलाड़ी। 6 साल थिएटर करने के बाद ये आ पहुंचे हैं खतरों के खिलाड़ी में, क्योंकि इन्हें चाहिए जिंदगी में एडवेंचर। डिमेट्रिकुलेशन जितना मेरा नुकसान किया तो किसी का नहीं होगा। वैसे सही बात है, मेरे घर में सरसों का तेल नहीं आ रहा है, ये सबका ये हाल है यार। गोले का तेल लाल लाल के प्याज चुक रहा हूँ मैं, किसी को पड़ी है? किसी को नहीं है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले जाता, पेट्रोल वाला देख के कहता है पेट्रोल भरवाने आ गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। किसी को पड़ी
और सरकार ने काम अच्छे भी किए ऐसा नहीं है सरकार काम अगला खतरा खिलाड़ी मिल गया। ये है आयुष शर्मा और ये है हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये हमारे खतरों के खिलाड़ी के 3138 पॉइंट दूसरे सीजन के पहले एपिसोड के पहले स्टंट के पहले सेकंड में बाहर हो चुके थे, लेकिन हमें इनमें कुछ काबिलियत दिखी। चलो चलो शुरू करते हैं। अबे मेरी भी तो वीडियो बना। अरे हो गया, चलो अबे शुरू करते हैं चलो। और खतरों के खिलाड़ी का जब भी कोई नया सीजन स्टार्ट होता है ना, वो एक बात जरूर बोलते हैं, लेकिन इस सफर में जो होगा उसकी इनको भनक तक नहीं है। कैसे पता होगा उनके साथ क्या होने वाला है? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया है, उनको कुछ पता ही नहीं है उनको, और उन्होंने पिछले 100,000,50,00,000 एपिसोड्स देखे ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इस सफर में जो होगा उसकी इनको भनक तक नहीं है। Introduction, cause they know Brittany Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning buck smoke. तो खतरों के खिलाड़ी कुछ नहीं है, बस एक सेलिब्रिटीज का रिएक्शन चैनल है जिसमें एक बंदा स्टंट करता है और उसके पीछे खड़े 150 बंदों की उस बंदे से ज्यादा फट रही होती है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है? सेम स्टंट पे अलग अलग सेलिब्रिटीज के रिएक्शन और पैटर्न्स भी बिल्कुल सेम होता है, और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये तो एकदम नया स्टंट है, लेकिन वो नहीं होता नया। करंट 150 बार लगा चुके हो भाई, कुत्ते से 200 बार कटवा चुके हो, पूल के नीचे से टैग निकलवाना तो इनकी हॉबी है। तो आज फिनाले शूट कर रहे हैं हम खतरों के खिलाड़ी 3138.2 एपिसोड है। और हाँ, आज का जो स्टंट है सबसे डेडलीस्ट स्टंट होने वाला, आज का सबसे खतरनाक स्टंट होने वाला। आज का हमारे पास एक दोस्त है हमारा, थोड़ा खूंखार है तो थोड़ा सा बच के रहना उससे। तुम दोनों बचे हो, तुम दोनों मेरे को पता है जरूर करोगे और करोगे। तुम्हें पता तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। अबाउट सर, अबाउट सर, अबाउट बेल्डन, बेल्डन जाओ, बेल्डन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खतरों के खिलाड़ी में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है। वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई डांस शो है, सिंगिंग शो है, तो समझ में भी आता है कि क्राइटेरिया उनका क्या लेने का, लेकिन इसमें क्या क्राइटेरिया है? तो हमारे खतरों का खिलाड़ी का विनर है, ले गए उसको। यही हमारे खतरों का खिलाड़ी का विनर, ये हमारे खतरों का खिलाड़ी। मेरे सामने तुम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये है खतरों का खिलाड़ी का विनर। हाई गाई, मैं फटी दे गया। तो जो असली शो था फियर फैक्टर, वो 2001 में आया था यूएस में, और वो 2007 तक चला था या 6 तक चला था, और हम देख रहे हैं 2021 तक। प्लीज कुछ इनोवेशन करो, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ नए स्टंट्स दिखाओ यार। मतलब तुम स्टंट्स दिखा रहे हो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ड्रामेबाजी क्यों चल रही है? बिकॉज फॉर्मेट ऐसा है ही नहीं शो का यार, बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट ऐसा ये शो का, ये ड्रामेबाजी वाला फॉर्मेट है ही नहीं। कॉमेडी तुम्हें भर भर के मिलेगी। कॉमेडी करने का पॉइंट क्या है जब ये स्टंट शो है? तो तुम स्टंट करो, घर जाओ, सब खुश। तो भाई बहुत हो गया आज के लिए, ये वीडियो यही रैप अप कर रहे हैं। और सब्सक्राइब इस बार अगर तुमने नहीं किया ना भाई, कर देना। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़ी नहीं रहे हमारे, पिछले वीडियो में सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम बढ़े हैं, तो अगर 200 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो हम डेयर वाली वीडियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने खुद का एक क्राइटेरिया बनाया था। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर देना, अगर तुम वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर देना, ये मैं एंड में बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दिया करो।